अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लौकी चिकन की रेसिपी। इसमें मैंने प्याज डाले हैं, टमाटर डाले हैं, ये साबुत गरम मसाला है, ये लहसुन का पेस्ट, इसमें नमक है, लाल मिर्चे हैं, काली मिर्चे हैं और हल्दी है। और 2 kg लौकी है, 1 kg चिकन है और ये ऊपर लवाजमा डालने के लिए। अब एक पैन ले लें, उसके अंदर मैंने 1 कप ऑयल डाला है। ये एक मीडियम साइज का प्याज था, वो मैंने इसमें डाल दिया है काट कर। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे ताकि ये थोड़ा ब्राउन हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि ये फ्राई हो गया है, तो थोड़ा सा मज़ीद फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। इसको भी हम थोड़ा फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, अब ये फ्राई हो गया है। अब इसमें 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन का डाल दिया है। प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर डाला है, 2 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक डाला है, 2 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्चें डाली हैं और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी डाल दी है। अब इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अब साथ ही इसमें गरम मसाला भी डाल देंगे। इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे और थोड़ा भून लेंगे। ये 3 टमाटर थे, इसको मैंने इस तरह से काट कर इसमें डाल दिया है। ये बहुत इजी और मज़े की रेसिपी है, प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
अब मैं इसमें ये लौकी डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें एक गिलास पानी का डालकर इसको ढक देंगे। ये देखें, अब ये पकना शुरू हो गई है। लौकी जो है वो नरम हो गई है और अब ये गलने के लिए तैयार है। अभी इसमें काफी पानी है, इसीलिए इसको मजीद पकने देंगे। ये देख सकते हैं आप, इसका पानी खुशक होना शुरू हो गया। ये देखें, अब इसमें पानी मुझे कोना शुरू हो गया। अब इसमें चम्मच चलाकर हम इसमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें धनिया, हरी मिर्चें और लंबा अदरक काट कर इसमें डाल दें और इसको दम पे रख दें 5 to 10 minutes। ये हमारी यम्मी चिकन लौकी तैयार है। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।